हमीरपुर जिला के साथ लगते कस्बे टौनी देवी में एक महिला के साथ उसी के गांव के दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। दुष्कर्म को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने महिला की अश्लील तस्वीरें भी मोबाइल में खींच ली हैं। आरोपियों ने महिला को किसी से शिकायत करने पर तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी थी। परेशान होकर महिला ने दोनों की शिकायत महिला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज करवाई है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। वहीं देर शाम पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। वहीं डीएसपी हमीरपुर रेणु शर्मा ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं 376D, 506 के तहत मामला दर्ज किया है। महिला की मेडिकल जाँच करवाई जा रही है और मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। 13 अक्टूबर 2020 को एक महिला ने उसके साथ दो व्यक्तियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने की शिकायत करी थी, जिसके ऊपर महिला थाना हमीरपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 356D व 506 में अभियोग दर्ज किया गया है। इस दुष्कर्म में संलिप्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इस अभियोग में अन्वेषण प्रगति पर है।